कोतवाली क्षेत्र में गौरक्षकों के द्वारा बाइक सवार को मांस ले जाते हुए पकड़ा गया। गौरक्षक नीरज शर्मा के द्वारा बताया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बाद भी विशेष समुदाय के लोग यहां मांस को लेकर बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह के कार्य नहीं होंगे, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। उन्होंने पकड़े गए लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस को लिखित में दिए प्रार्थना पत्र के अनुसार हरिओम गुर्जर अध्यक्ष श्री बाकी बिहारी गौरक्षा संस्थान अभिषेक चतुर्वेदी जिला गौरक्षा प्रमुख गौरक्षा दल भारत किसी कार्य से भरतपुर गेट से डिग गेट की तरफ जा रहे थे, तभी उनको बाइक से खून सा प्रतीत हुआ। तभी उनके दावा बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक सवार भागने लगा। जय श्री राम, जय गो माता की। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, मैं श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान से राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 50 किलो के लगभग मांस पकड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा श्री के जन्मभूमि के 3 किलोमीटर के दायरे में मांस का प्रतिबंध, बिल्कुल मांस का क्रय विक्रय बिल्कुल प्रतिबंध है, मगर उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं विशेष समुदाय के लोग, और ये दिन प्रतिदिन मांस लेकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं, क्रय विक्रय इसका करते हैं। तो मेरा माननीय योगी जी से निवेदन है कि ये सब सारा सा सिस्टम बंद किया जाए और जो मुजरिम जो लोग यहाँ पर मांस ले लेके आते हैं इनको ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए,